हेलो गाइस, तो आज मैंने कुछ मंगाया है अमेज़ोन से। तो ये चीज़ है कॉफ़ी मग्स। तो ये अमेज़ोन से अभी डिलीवर हुआ है। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। प्राइस भी वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा है कॉफ़ी मग, देखने में कैसे हैं और कैसी है क्वालिटी इसकी। ब्लैक मंगाया है, अब देखते हैं इसमें से निकलता क्या है। तो ये चार हैं, मैंने चार कॉफ़ी मग्स मंगाए थे। तो इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। चारों के लिए अलग अलग बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मतलब चार अलग अलग बॉक्स हैं। तो ये इस तरह का इसका बॉक्स है, आप देख सकते हो। पैकिंग बहुत अच्छी है, टूटने का चांस लग तो नहीं रहा। बाकी इसको खोल के देखते हैं कैसा दिखता है और कैसा निकलता है। तो इस बॉक्स के अंदर फिर से एक बॉक्स है, कहीं मतलब वो ना हो जाए, मजाक सा ना हो जाए कि कुछ निकला ही नहीं बीच में। तो इस पे कोई टेप नहीं लगी हुई है, ऐसे ही है, तो इसी तरह का दिखता है। सोमनी कंपनी का है, चाइना वेयर, तो ये भी चाइना का है। मिल्क मग लिखा हुआ है, ट्रस्टेड एवरीवेयर बाय एवरीवन। अब ये पता नहीं कितना ट्रस्टेड है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, माइक्रोवेव में भी डाल सकते हैं, डिश वॉशर में भी डाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसा है। ब्लैक कलर का है, तो इसकी जो कलर क्वालिटी है मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कलर वो बिल्कुल ब्लैक नहीं है, इसमें डॉट 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 से मतलब जैसे कुछ रह गया हो, स्प्रे करना रह गया हो ब्लैक कलर, यहाँ पे ऐसा ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ कप का साइज़ ठीक है, बढ़िया है, बट यही मेरे को एक थोड़ा सा डिफेक्टिव कह लो या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कह लो, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। शायद आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मैं लिंक फिर भी डाल दूंगा, अगर आपने ख़रीदना हो खरीद सकते हो। एक बार बाकी के भी चेक कर लेते हैं कि उसमें ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये वाला पीस ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो पहले वाले में थी, ये बिल्कुल सही लग रहा है। पेंट की क्वालिटी एकदम अच्छी है इस वाले पीस में। तो इसमें बेसिकली पीस टू पीस जो कंसिस्टेंसी है पेंट की वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग क्वालिटी का है, मतलब उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है, ये ठीक लग रहा है। तो बाकी भी देख लेते हैं एक बार। तो तीसरा पीस भी ठीक है, अब चौथा पीस भी देख लेते हैं। है थोड़े से इसमें थोड़े मतलब पेंट में जैसे क्रैक्स होते हैं, मतलब इसमें क्रैक्स नहीं है लेकिन पेंट में थोड़ी सी लाइनें सी दिख रही हैं। सभी को मैं कंपेयर कर लेता हूँ। तो इसमें भी हल्के हल्के डॉट डॉट से हैं, इसमें वो नहीं है, जैसे मेटेलिक वाला इफेक्ट नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा सा वैसे लग रहा है वो डॉट्स होने की वजह से। इसमें थोड़ा वो बड़ा है इस एरिया में, यहाँ पे थोड़ा एकदम प्लेन टाइप है, और इसमें भी बिल्कुल प्लेन ब्लैक है, इसमें भी कोई डॉट डॉट टाइप सा कुछ टेक्सचर नहीं है। बट ठीक है, घर पे यूज़ करने के लिए ठीक है, घर के लिए नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है, बाकी यूज़ करके पता लगेगा कैसी क्वालिटी निकली इसकी। तो ये अनबॉक्सिंग कैसी लगी आपको और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और ये वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाएं आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।